हमें कोई परहेज नहीं है। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब उन्होंने कहा कि दुष्यंत की लीडरशिप को मानते। अच्छा, दुष्यंत को अजय सिंह चौटाला साहब से बड़ा नेता मानता है। हाँ, कहने का ये मतलब हुआ। तो फिर तो उसने भी दुष्यंत को अपने से बड़ा नेता माना। दुष्यंत को अगर कहीं कोई पहचान है इस प्रदेश में तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से है कि वो उनका पोता था, उसको ऐनक का निशान चौटाला के साइन से मिला था। अगर वो ये कहते हैं कि भी वो बहुत बड़ा नेता है तो चुनाव का नतीजा आ जाएगा, पता लग जाएगा नेता की पहचान। हम तो 10-20 दिन रहेंगे चुनाव, पर मेरी ख्याल इससे ज्यादा बड़ा सरेंडर और कोई आदमी नहीं कर सकता जितना बड़ा सरेंडर मेरे भाई अजय सिंह ने किया है। क्या सरेंडर कर दिया? बच्चों के सामने। अच्छा, बच्चों के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर ही कर दिया उसने। हाँ, मतलब उसने ये बात सोची नहीं कभी जिंदगी में अपने कि तू प्रेस के सामने जाकर के क्या बोल। जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से लोग अजय सिंह को जानते हैं, वो अजय सिंह अगर आज ऐसी बात कहते तो मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से कहीं तकलीफ में है, कहीं दबाव और कमजोरी में। आप भाई हैं, पार्टी अलग है, अपनी जगह पर है, भाई है। चुनाव के बाद 100% क्योंकि अभी उनको भी फुर्सत थी, मुझे भी नहीं। और मैं अगर आपके सामने उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो मैं 100% आज शाम को ही टेलीफोन करके दूंगा कि अगर तुझे मेरी कहीं जरूरत है तो बता, मैं आ जाता हूँ और किसी अच्छे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं। आज ही पूछ लो। ठीक है। एक आप बार बार ये कहते हैं कि जेजेपी जो है ये बीजेपी और कांग्रेस ने खेल किया है और ये पार्टी आ गई, ये चुनाव लड़ रहे हैं सबके सब लोग, हर सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव। अब आपको टिकट पूरे दमखम के साथ दिया है दिग्विजय सिंह को, इस प्रदेश के एक सूरमा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिनसे थरथर कांपते हैं उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, मीडिया में कांपते हैं, अंदर कांपते हैं कि नहीं कांपते हैं पता नहीं, लेकिन उनके खिलाफ दिग्विजय को अधिकार मिला। ये तो अधिकार है। 100% दोनों को धूल चटा। जी हमारा उम्मीदवार जी 100% फाइट में रहेगा। आपने, चलिए मैं जेजेपी से आगे बढ़ूं, इसके पहले एक आखिरी सवाल। जेजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे चाचा जी को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है ढूंढते लोकसभा में उतारने के लिए, बड़ी मुश्किल से टैलेंट हंट सर्च किया और कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ के निकाला। तो हमारी पार्टी ने तो एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने नाम लिया और उसके ऊपर फिर पीएससी ने बैठ के विचार विमर्श किया और हमने तो अपने 10 के 10 कैंडिडेट जो है पार्टी कैडर के उतारे, पार्टी के नेताओं के